বীরজোড়া কন্যা মহাবিদ্যালয়ৰ এই বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ নৱাগতা হৈছে एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, बहुत दिनों से मैंने बड़ी वाली कुछ भी व्लॉग्स या वीडियो अपलोड नहीं किया अपने चैनल पे, तो मैंने सोचा आज को एक क्यों ना बड़ी वाली व्लॉग हो जाए। मैंने मिनी व्लॉग्स बहुत सारे शेयर किए अपने चैनल में, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, और बहुत लोगों ने मुझे उसमें थोड़ा बहुत बहुत प्यार दिया। तो आई होप आप लोगों को मेरे ये बड़े वाले व्लॉग्स भी अच्छे लगेंगे। तो आज है हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी, तो मैं उसमें डांस करने वाली हूँ, और सुबह का मैंने थोड़ा सा डांस प्रैक्टिस भी कर लिया, और अभी मैं निकलने वाली हूँ कॉलेज के लिए थोड़ा सा मेकअप करके। थोड़ा सा मैं बोलती थोड़ा सा हूँ, मैं गाइस थोड़ा सा ही करती हूँ, बट कैमरे पे थोड़ा अच्छा दिखता है क्योंकि उसमें ब्यूटी लगे हुए होते हैं और फिल्टर्स भी, जैसे अभी मैंने एक लगाया ही है ऑलरेडी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो गाइस मैं निकलती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं, और आज को दिन में मैं करने वाली हूँ बहुत कुछ, खाने वाली हूँ मैं बहुत सारा, क्योंकि जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरे पे खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, खाना देख के मैं पिघल जाती हूँ। डाइटिंग पे मैं रोज़ रहती हूँ पर मैं बहुत कुछ खाती हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक और स्किप मत करना। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्या 2000 years later मैं हो गई रेडी कॉलेज के लिए। उधर से बाहर निकल के छोड़ो आप। तो मैंने ज़्यादा मेकअप किया नहीं, आप लोग देख सकते हैं, मैंने सिर्फ आई शेडो लगाया है और आईब्रोज, और मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया, वहाँ पे जाके लगाऊंगी। और ये माला भी नहीं पहना, हाथों में भी नहीं पहना क्योंकि बहुत गर्मी है, और धूप भी आज को पता नहीं इतनी तेज़ क्यों है। तो मैं खा रही हूँ अभी, मैंने ये ओट्स और दाल का चीला बनाया है दो, और ये मेरी एक भुर्जी। सुबह थोड़ा हेल्दी खा के निकलते हैं फिर दिन में, क्योंकि मुझे अंदर बहुत सारे टेस्टी टेस्टी खाना अंदर खाना है, मतलब जो भी हो। गाइस मैं ये जल्दी से खाती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ रास्ते में, या फिर गाड़ी में, या फिर वहाँ पर जाके। गाइस तो हम निकल चुके हैं, और ये देखिए गर्मी के मारे, आई मीन धूप और गर्मी के वजह से, ये कहा गया मेरी काजल धीरे 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 करके फैल रहे हैं पूरे मुंह पे, क्योंकि ये ब्रांडेड नहीं था, इसलिए ये मेरे हाथ पे भी काजल ही लग गए। मैंने पहुँच के लिपस्टिक लगा ली, ये भी पहन लिया, और चूड़ियाँ भी थोड़ी बहुत पहन ली। मेरी मेकअप की हालत धूप की वजह से बहुत ख़राब हो गई है, पर क्या करें, अब आ ही गई हूँ ऐसे तो। और ये हमारे ग्रीन रूम पे सारे डांसर्स रेडी हैं। मैं स्टेज के बैक से होके आ रही हूँ इस बार, और इस बार की हालत आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे मुझे आगे मिली ये देखने को ट्रॉफीज, और गाइस ये रही हमारी जीएस, ये हमारे बीकेएम के टॉपर के लिए, और वहाँ पे जो ट्रॉफीज़ रखे हुए थे थोड़ी देर पहले जो आप लोगों को दिखाया, ये सुपर 10 के लिए है। और प्रोग्राम स्टार्ट हो गए थे थोड़े बहुत करके, हमारे टीचर्स यहाँ बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, और मैम ने मेरे चैनल के लिए कुछ बोला। আমার কলেজের চন্দনা আকারকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ কামনা করছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমরা উপর যা রহে থে আর ই অনুশিখা মুঝে লেকে যায়গি, আর ই দেখো গাইস কেসে বন্দর জেসে ইস পার সে উস পার জরে, মে ভি ইহি করনে ওয়ালি হু, পর আগর মে ক্যামেরে লেকে গির, ও মাই গড, পতা নেই মে 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 পৌঁছ গই, কিউকি ই বিচ মে ইয়ে থে। কোন হে লোক, कहाँ से आते हैं? ऊपर इतनी भीड़ थी कि नीचे जितनी भीड़ है उससे ज्यादा तो ऊपर थे, ऊपर लोग खड़े होके और फ्लोर पे बैठ के भी देख रहे थे, तो हम नीचे आ गए। गाइस हम जा रहे हैं फुसका खाने, मैंने अभी तक नाचा नहीं है, पर मैंने सोचा पहले खा लेती क्योंकि मुझे भूख लगी, अभी 12:30 बज चुके हैं। वैसे दिन में मैं खाती रहती हूँ, तो सुबह से मैंने बस वही खाया था घर में और कुछ नहीं खाया, और अभी नाचने में बहुत थोड़ा बहुत देर है, तो उसके पहले सोचा थोड़ा सा खा लेती हूँ। और ये लोग जो हमारे ग्रुप के डांसर्स थे, अलग ग्रुप के मतलब हमारे कॉलेज के, तो इन लोगों को भी खाने आना था, मैंने भी बोला चलो चल लेते खाते हैं गाइस। पता नहीं कब नाचने को मिलेगा। कोई बात नहीं, हम लोग हैं साथ में आपके, मेरे जैसे मेकअप में तो नहीं हो। गाइस आइसक्रीम खाओगी? मैं खा लेती हूँ, मत खाओ तुम लोग।
गाइस ये आइसक्रीम फ्रॉम प्रतीक्षा दिन के बजे हैं 2 और फाइनली मैं डांस करने वाली हूँ। मेरे 2 नंबर पे है, पहले ग्रुप डांस है उसके बाद मैं। मेकअप उतार लिया और बहुत भूख लगी थी तो पैकेट लंच जो मिला वो मैं खाने को बैठ गई। हमें मिला एक कचौड़ी, एक मिठाई और एक पीस केक। और हाँ, मैं इसका एकदम पुराना फ्रेंड हूँ। हम लोग हायर सेकेंडरी में एक ही साथ थे और बहुत साल के बाद 2 साल बाद हम मिले यहाँ पे। A few moments later. तो 3-4 बजे के आसपास मुझे फिर से भूख लग गई थी, इसलिए मैं अपनी एक दोस्त को लेके खाने चली गई, क्योंकि इत्तू से खाने से मेरा कुछ नहीं होता। तो वहाँ से आके मैंने फिर चाय पिया और साथ में बिस्किट भी खाई। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती, पर सबके साथ मुझे पता नहीं क्यों चाय पीने का मन हुआ, इसलिए मैंने पिया और फिर आके थोड़ा सा बैठ गई। मैं बीच बीच पर बैठती हूँ, थोड़ा सा उठ के नाचती हूँ, तो ऐसे ही बीत रहा था। एंड फाइनली वो मोमेंट महाविद्यालय तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप लोग देख ही सकते हो। मैं सुबह से जैसे निकल के आई फिर मुंह हाथ धो के ऐसे ही हूँ, मेरी मुंह की हालत एकदम ख़राब है। ये मैंने इंस्टा पे फिल्टर लगाया है फिर भी ऐसा दिख रहा है, तो सोचो गाइस मेरी चेहरे की हालत क्या हो चुकी होगी। पर फिलहाल तो हमारा प्रोग्राम हो गया है अंदर ख़त्म और हमारा मिस फ्रेशर्स 2022 BKM मिल गया है। प्यारी सी है, एकदम छोटी सी, तो तुम कुछ बोलना चाहोगी? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं ऐसा सोच नहीं रही थी कि मुझे मिलेगा, और फिर यहाँ हुआ सब। और फिर जब अनाउंस किया कि मिस फ्रेशर है अनिशा शर्मा, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। इतना ही, थैंक यू। अच्छा ठीक है गाइस, तो ऐसे ही बीता था हमारा पूरा दिन इस बार का फ्रेशर्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो देख के। अगर अच्छा लगा डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।